बच्चों सभी अपने आप को म्यूट करें, ये 3C0879A6 जिसकी आईडी है म्यूट करें अपने आप को। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, आप लोगों को एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी बच्चों, जिसको नहीं दिखाई दे रही है तो अपना राइट स्वाइप करेगा। राइट स्वाइप जैसे ही आप लोग करोगे तो नेहा शर्मा की एक स्क्रीन आएगी जिस पे व्हाइट बोर्ड है और मैं भी आप लोगों को वहां पे दिखाई दूंगा, तो वो स्क्रीन आपको परमानेंट बनी रहे तो वहां पे जाके आप लोग उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करने से वो स्क्रीन आपके फोन पे या लैपटॉप पे जहां पे भी आप देख रहे हो वो परमानेंटली बनी रहेगी। सर लास्ट दो क्लास में लेनी बैदोस की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। अनुराग सर को मैसेज किया था, उन्होंने अभी तक सीन भी नहीं किया। चलिए मैं अनुराग सर से बात करता हूँ इस बारे में बेटा। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था प्रीवियस क्लास में, है कि नहीं? यस सर। बोलो। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि भूकंप में क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, और फिर हमने चर्चा की थी कि ये आता ही क्यों है बेसिकली। उसमें मैंने कुछ आप लोगों को बताया थे, कुछ हमारी वजह से आता है, ये कुछ ह्यूमन मेड रीजंस होते हैं, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े डैम्स बना लेते हैं, उन डैम्स के कारण भी चट्टाने खिसक जाती हैं, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से भी आप लोगों ने देखा कि अर्थक्वेक आ रहे थे। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि भूकंप के अंदर कौन सा ऐसा लॉजी है या कौन सा ऐसा साइंस है जो काम करता है, जो भूकंप का बच्चों ज्ञान है या उस पर जो अध्ययन हम लोग करते हैं, जो भूकंप की स्टडी करते हैं, उसको सिस्मोलॉजी के नाम से पुकारा जाता है, सिस्मोलॉजी इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सिस्मोलॉजी में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये पी वेव्स, एस वेव्स एंड लव वेव्स, एल वेव्स, क्या वेव्स होती है, ये किस प्रकार से चलती है और ये किस काम आती है। ठीक है, तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा लेकिन भूकंप भी एक चीज के काम आता है,
और वो ज्योग्राफी का एक पॉइंट है जिसके काम आता है, आज मैं इसके इर्द गिर्द ही आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बताया बच्चों, आप लोग जो पिछली क्लास ले चुके होंगे वो एक बार रिपीट करेंगे इसके आंसर्स को। सपोज कीजिए कि यहां से भूकंप जनरेट हुआ, ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसका नाम है अनुराग सर, सही, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसका नाम है विवेक सर, और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। यहां से भूकंप पैदा हुआ इस पॉइंट से, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो इस पॉइंट का नाम क्या रखा था हम लोगों ने, इस पॉइंट को किस, हाइपोसेंटर, या इसको फोकस कह रहा था मैं, केंद्र कह रहा था, यस सर, ठीक है। अब आप दूसरा बताइए मुझे कि सबसे पहले जो अर्थक्वेक है वो हाइपोसेंटर से चला, लेकिन सबसे पहले अर्थक्वेक किसको फील होगा, विवेक सर को होगा, अनुराग सर को होगा, या सीक पॉइंट को होगा, अनुराग सर को होगा। सबसे पहले अर्थक्वेक किसको फील होगा, अनुराग सर को, क्योंकि बच्चों क्योंकि अनुराग सर जो है वो हाइपोसेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, सबसे कम दूरी पर है, ठीक है। अगर आप हाइपोसेंटर से विवेक सर की दूरी देखोगे तो वो भी ज्यादा है कि नहीं, और आप सी पॉइंट की दूरी देखोगे तो वो भी ज्यादा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाइपोसेंटर से अनुराग सर की दूरी सबसे कम है, इसलिए सबसे पहले किनको फील होगा, अनुराग सर को फील होगा, उसके बाद विवेक सर को फील होगा, और उसके बाद ये सी पॉइंट को फील होगा, क्योंकि उसके बाद विवेक सर की दूरी थोड़ी कम है और सी पॉइंट की दूरी सबसे ज्यादा है, इसलिए इनको सबसे लेट फील होगा ये, ठीक है। इतना समझ में आया तुम लोगों को, यस सर। बच्चों जहां पर सबसे पहले फील होता है अर्थक्वेक, जहां पर भूकंप सबसे पहले फील किया जाता है, उसका क्या नाम दिया था हम लोगों ने, एपिसेंटर। एपिसेंटर इसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को दो चीजों का पता चला, एक हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर फोकस भी कहा जाता है इसको, वो केंद्र होता है जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है, पैदा होता है, उसे ही हाइपोसेंटर के नाम से पुकारा जाता है। हाइपोसेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां पर क्रस्ट पर अर्थक्वेक फील हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं भूकंप का। तो आप लोगों से दोनों में देखो सेंटर शब्द आ रहा है, इसमें एपिसेंटर है ये और ये हाइपोसेंटर है, तो दोनों में ही सेंटर शब्द आ रहा है, तो इस वजह से आप लोगों के लिए समझना थोड़ा भारी हो जाता है पेपर में, तो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि इसमें वेव्स कौन कौन सी निकलती हैं और उससे हमको फायदा क्या मिलता है वेव्स निकलने से। देखो जी, भूकंप यहां से पैदा हो बच्चों, जहां मैंने ब्लू डॉट बनाया है, ठीक है, सभी को ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यस सर, सही। बच्चों जैसे ही ब्लू भूकंप यहां पर पैदा होगा, तो मैंने आपको कहा कि ये फील होता है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी, बोलो यस कि नो, यस, अरे बोलो भाई, यस सर, ये एनर्जी बच्चों वेव्स के रूप में फ्लो करती है, इस तरह से, ठीक है। ये ब्लू डॉट आप देख रहे होंगे, तो यहां से एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी का मैंने क्या नाम दिया, तो इस एनर्जी का मैंने नाम दिया बच्चों कि ये है हाइपोसेंटर, और हाइपोसेंटर अर्थक्वेक से एनर्जी फ्री हुई, और जैसे ही एनर्जी फ्री हुई है तो वेव्स के रूप में ये इधर उधर बिखर गई, ठीक है। अब आप आगे देखना,
ये ऐसे बिखरेगी एनर्जी या वेव, ठीक है। तो यहां पर इस वेव ने क्या काम किया बच्चों, ये हाइपोसेंटर से रिलीज हुई और ये चारों तरफ जाने लगी, सही। तो इसी वेव का नाम रखा गया क्योंकि ये पहली बार, सबसे पहले जब अर्थक्वेक पैदा होता है तो उसमें से सबसे पहले यही वेव निकलती है और अर्थ में चारों ओर फैल जाती है, ठीक है। इसलिए इस वेव का नाम पड़ता है पी वेव। कौन सी वेव बच्चों? पी वेव, ठीक है। इसी पी वेव को मैं प्राइमरी वेव कहता हूं, हिंदी में प्राथमिक तरंग है ये, ठीक है। तो आप लोगों से यहां पर ये क्वेश्चन बनेगा कि हाइपोसेंटर से सबसे पहले कौन सी वेव रिलीज होती है, तो सबसे पहले कौन सी वेव रिलीज होगी बच्चों? प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव, इसको शॉर्ट में पी वेव कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अनुराग सर को अर्थक्वेक में सबसे पहले कौन सी वेव फील हुई होगी ऊपर? अनुराग सर यहां खड़े थे ना बच्चों, है ना, तो सबसे पहले उनके पास कौन सी वेव पहुंचेगी? प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव पहुंचेगी, ठीक है। प्राथमिक तरंग पहुंचेगी सबसे पहले अनुराग सर के पास, सही है। अब ये तरंगे कैसी होती हैं, अब इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों। इसी पे वेव को अगर आप देखोगे तो ये कंप्रेशन करती हैं, देखो ये मैंने वेव का डायग्राम बनाया है। अगर आप इस वेव के डायग्राम को समझोगे तो यहां पर ये वेव कंप्रेस कर गई, एक दूसरे के साथ सिकुड़ गई, ठीक है। यहां पर ये वेव एक दूसरे के साथ सिकुड़ गई, यहां पर ये वेव एक दूसरे के साथ सिकुड़ गई, ठीक है। तो ये वेव कैसी होती है बच्चों? ये वेव सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोग इनके संचरण देख रहे होंगे, अगर चलने का तरीका देख रहे होंगे बच्चों, तो इनके चलने के तरीके में क्या क्या होता है? एक तो सिकुड़न होता है और एक फैलाव होता है। बोलो यस के नो। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब सिकुड़न को मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ कि इसमें कंप्रेशन होता है ना, और फैलाव को मैं बोल सकता हूँ इसमें एक्सटेंशन होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर तरंग इसमें क्या काम करती है, पी वेव्स किस प्रकार की तरंगे होती है? पी वेव एक ऐसी तरंग है बच्चों जिसमें एक बार कंप्रेशन होता है और एक बार फैलाव होता है, ठीक है, समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, आगे देखो बच्चों। ऐसे ही आप लोगों के यहां पर ध्वनि चलती है, साउंड चलती है, इस वजह से इस पी वेव प्राइमरी वेव को क्या बोलते हैं बच्चों? साउंड वेव भी बोल सकते हैं। तो हमको दूसरा नाम इसका क्या मिल गया? साउंड वेव मिल गया, ठीक है। और क्योंकि बार बार इसमें क्या हो रहा है बच्चों, बार बार इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए इस तरंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंप्रेशनल वेव बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम हम लोगों ने पढ़े, पी वेव, प्राइमरी वेव, साउंड वेव और कंप्रेशनल वेव, क्योंकि इसमें कंप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इस वेव के टाइप को बच्चों क्या कहते हैं? पी वेव कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं, तो मात्र एक सेंटेंस के लिए इसको पढ़ाना मुझे पड़ रहा है। जो ये पी वेव होती है बच्चों, इसमें तुम लोग याद रखना, ये द्रव में यानी के लिक्विड में, ये सॉलिड में, ठोस में और ये गैस में, तीनों जगह चल सकती है, ठीक है। इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि ये लिक्विड में फ्लो नहीं कर सकती, ये सॉलिड में फ्लो नहीं कर सकती, ये हर जगह पर फ्लो कर सकती है। ये लिक्विड में भी चल सकती है, ये सॉलिड में भी चल सकती है और ये गैस में भी बच्चों चल सकती है। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर।
अब आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने अर्थ के बीच में गोला क्या बनाया हुआ है, सही? ये पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भूकंप का टॉपिक नहीं है, ये मेरी अर्थ की स्ट्रक्चर का टॉपिक है। हमने अर्थ की स्ट्रक्चर को कैसे जानना है कि वो अंदर से लिक्विड है या सोलिड है, हम लोग को पता है ना कि वो अंदर से लिक्विड है फिर सोलिड भी है कहीं कहीं। हाँ जी, आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है। वीडियो शो नहीं हो रही, साइड क्लिक करके देखो। आप राइट साइड क्लिक कीजिए, आप राइट साइड क्लिक करेंगे तो उसमें नेहा शर्मा के नाम से आईडी आएगी। आपके ना पॉज हो गई थी वीडियो बीच में और अब ज़ूम इन आउट हो चुका है। ओहो, सर आपकी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। कोई नहीं अभी ठीक कर देते हैं हम इसको। अभी सही दिखाई दे रहा है बच्चों? यस यस सर। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को यहां पर ये कह रहा था कि जो ये पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स होती हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भूकंप का तो टॉपिक है ही है, इस साथ में इसमें सबसे बड़ा क्या काम होता है, हम लोगों को अर्थ की अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में पता चल, ठीक है? तो हमें अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चलेगा कि सोलिड में है या लिक्विड में है। तो ये किसके कारण पता चलता है? ये इन वेव्स के कारण पता चलता है, ठीक है? पी वेव से तो आपको कुछ पता नहीं चला क्योंकि ये तीनों जगह पर मूव कर सकती है, लिक्विड में भी कर सकती है, सोलिड में भी कर सकती है और गैस में भी कर सकती है, ठीक है? इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए तो इसको लिखिए फटाफट। जो नए बच्चे हैं वो अर्थक्वेक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक में हमारा वेव्स चल रही है। लिखो बच्चों इसको, पी वेव्स को लिखो। इन अर्थक्वेक भूकंप में, इन अर्थक्वेक भूकंप में There are three types of wave. There are, हो रही है मैडम वीडियो शो, आप ना राइट राइट स्वाइप कीजिए, राइट स्वाइप करके आपको नेहा शर्मा दिखाई देंगी, उसमें व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। हाँ जी, लिखिए बच्चों पी वेव्स में। इन अर्थक्वेक देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, अर्थक्वेक में, भूकंप में तीन प्रकार की तरंगे होती हैं। तीन प्रकार की तरंगे होती हैं। फर्स्ट पी वेव्स, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे। सेकेंड एस वेव्स, द्वितीयक तरंगे। एंड थर्ड एल वेव्स, लव वेव्स या लॉन्ग वेव्स भी बोल सकते हैं उनको, बड़ी तरंगे। रिपीट कर देने क्या बोला? पी वेव्स। हाँ जी बिल्कुल, लिखो पी तरंगे, दूसरी लिखो सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे, एस वेव्स, एक ही नाम है, सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स या द्वितीयक तरंगे। थर्ड लिखो एल वेव्स, लव तरंगे, अरे प्यार तरंगे मत लिख लेना इनको हिंदी वालों, ये एल वेव्स। लव वेव्स, एल ओ वी ई, लव वेव्स, लंबी तरंगे, या लॉन्ग वेव्स, एल ओ एन जी, लॉन्ग वेव्स, ये भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे लिखो इसमें पी वेव्स में, लिखो पी वेव्स में, लिखो बच्चों पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स,
पी वेव्स आर लोंगिट्यूडनल वेव्स, प्राथमिक तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। सर इन दिस इन दीज वेव्स, हाँ जी हेलो, हाँ हाँ बोलो बेटा। सर एक बार रिपीट कर देना, किसका फोन आ गया। ओहो फोन अब बाद में रिपीट करवाना, अब बाद नहीं, अब बाद में रिपीट करवाना। लिखो, ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। दीज वेव्स आर लोंगिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। आगे लिखो इसमें, इन दीज वेव्स, इस प्रकार की तरंगों में कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर फाउंड, इस प्रकार की तरंगों में संपीड़न तथा फैलाव पाया जाता है, प्राइमरी वेव। आगे लिखो, प्राइमरी वेव फील फर्स्टली इन हाइपो इन एपिसेंटर, प्राइमरी वेव फील फर्स्टली इन एपिसेंटर, प्राथमिक तरंग अधिकेंद्र पर सबसे पहले महसूस होती है, प्राथमिक तरंग अधिकेंद्र पर सबसे पहले महसूस होती है। एंड इट्स स्पीड इज, तथा इसकी गति सेवन टू फोर्टीन किलोमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड है। स्पीड इज 7 to 14 किलोमीटर पर सेकंड। ये इतनी स्पीड से चलती है बच्चों, ठीक है। एक सेकंड में ये 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो अर्थ है बच्चों, उस अर्थ की जो क्रस्ट है वो कितनी मोटी है, ठीक है, उसकी मोटाई पर ये डिपेंड करता है। समझ में आया? यस सर। ये फिगर बना लो इसके नीचे, ये वाली और ये अर्थ वाली फिगर बना लो। सर आप बता दोगे, आप बता दोगे? हाँ बेटा, तीसरी तरंग का नाम बोला था लव वेव या लॉन्ग वेव। हाँ सर ये तो लिख लिया। अब आपने एक बार बोला था ना कि प्राथमिक तरंगे, स्टार्टिंग में जब लिखवा रहे थे आप प्राथमिक तरंगे, इसके बाद क्या बोला था? प्राथमिक तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, इस प्रकार की तरंगों में संपीड़न, बस इतना ही था ना? इस प्रकार की तरंगों में संपीड़न और फैलाव पाया जाता है। ओके सर, ओके ठीक है। ये चित्र बनाओ ज्यादा मोटी होगी तो स्पीड पे चलेगी। वो घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज में घनत्व कितना होता है, इसके ऊपर। जो अधिक घनत्व की होती है उसमें तेज चलती है, अधिक डेंस होगी अगर तो तेज चलेगी, बिल्कुल ठीक है।
तो जो आपने इसने बीच में सर्कल बना रखे है किस लिए? ये बीच में सर्कल इसलिए बना रखा है मैंने क्योंकि मैं इसको तुम लोग को प्रूव करके बताऊंगा कि ये जो सर्कल मैंने बताया है इसमें लिक्विड है, ठीक है? इसलिए मैंने तुम लोगों को बना के बताया अभी ये सर्कल, ये हम प्रूव करेंगे कि ये लिक्विड है इसमें। सर ये एक्स एक्स क्या था वो एक्स कंप्रेशन और क्या था एक्सपेंशन। ओके 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 ठीक है। yes. ये भी लिख लेना बच्चों, ये कहां कहां से पास हो सकती है। इट पासिस फ्रॉम लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं इसको। सर लिक्विड सॉलिड और गैसेस से पास होती है, गुजर सकती है। हाँ हाँ समझ गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब प्राइमरी वेव सबसे पहले निकली तो हम लोगों ने सबसे पहले उसको पढ़ा, ठीक है। अब सेकंड हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव्स को, क्योंकि प्राइमरी के बाद दूसरे नंबर पर उसमें से निकलती है सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे। इसमें भी हमें एक अर्थ की आवश्यकता होगी तो अर्थ बना लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। ये रहा है किस, यहां से मेरा भूकंप जनरेट हुआ था जो मैंने ब्लू डॉट बनाया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव्स को, एस वेव। देखो सुनो, आप लोगों को मैं जब पी वेव्स पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर कहा था कि वे वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, उन वेव्स को पी वेव्स कहते हैं हम लोग। और पी वेव कैसे चलती है, तो पी वेव ऐसे चलती है, ठीक है। एक जगह सिकुड़ जाएंगी, फिर फैल जाएंगी, फिर सिकुड़ जाएंगी, फिर फैल जाएंगी, इस प्रकार से चलती है। सर, लेकिन बच्चों जो एस वेव्स होती है, जी सर वीडियो शो नहीं हो रही है आपकी। मैडम राइट स्वाइप करो आप। सर दो बार कर चुकी हूँ। राइट स्वाइप करके नेहा शर्मा दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। उस पे डबल क्लिक करो। सर किया, अभी भी नहीं शो हो रही है। नेहा शर्मा पे वीडियो ही नहीं आ रही है? नो सर। बेटा फिर नेट प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो वीडियो जा रही है, ठीक है। नेट प्रॉब्लम होगा, मेरी तरफ से तो वीडियो जा रही है। चलिए देखो सुनो, लेकिन जो एस वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है, द्वितीयक तरंगे हैं, वे इस प्रकार से बिहेव नहीं करती जैसे कि प्राइमरी कर रही थी। ये कौन सी होती हैं? तो बच्चों ये लॉन्गिट्यूडनल ना होकर ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। कैसे चलती हैं ये? तो ऐसे चलती हैं, ये ऐसे अप एंड डाउन चलती हैं, ये समझ में आया। वे कैसे चल रही थी? वे ऐसे चल रही थी, उनमें कंप्रेशन हो रहा था। तो जरा मुझे बताओ, आपको ट्रांसफर वेव या एस वेव्स में आप लोगों को कहीं कंप्रेशन दिखाई दिया? नो सर। अरे बोलो, यस या नो? नो सर। नहीं। तो यहां पर अगर आप एस वेव को देखोगे तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? एस वेव जो है बच्चों, वो सॉलिड में तो मूव कर सकती है, ठोस में तो ये चल सकती है, बट ये लिक्विड में नहीं चल सकती, ठीक है। और अगर आप पी वेव्स की बात करोगे तो पी वेव्स तीनों जगह चल रही थी, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लेकिन जो एस वेव है, सेकेंडरी वेव है, सॉलिड में तो मूव कर सकती है बट लिक्विड में ये मूव नहीं कर सकती,
तो आओ लोग दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जब एस वेव बच्चों निकलेगी यहां से तो ये भी चारों ओर फैलेगी। Yes, ये फैला हो रहा है इसका चारों ओर। अब जहां तक ठोस है, जहां तक सोलिड है, वहां तक तो ये जा रही है, लेकिन जैसे यहां पर लिक्विड आप लोगों को दिखाई दिया, ये वेव ने क्या काम किया, ये वेव इससे टकराकर वापस मुड़ गई। देखो अब जो पी वेव थी वो तो इसके अंदर से भी गुजर गई थी, क्योंकि क्यों इसलिए गुजर गई थी, क्योंकि पी वेव सॉलिड में भी जा सकती है, लिक्विड में भी जा सकती है और गैस में भी जा सकती है, लेकिन एस वेव जो है बच्चों वो लिक्विड में मूव नहीं करती है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पाया कि यहां तक तो अर्थ एकदम सॉलिड फॉर्म में है, यहां तक तो अर्थ एकदम चट्टान के रूप में है, ठीक है, रॉक से बनी हुई है और ऐसी रॉक है जो पूरी तरह से सॉलिड है, लेकिन ये एस वेव ने क्या काम किया, यहां से टकराई और फिर वापस चली गई। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा क्या हुआ बच्चों, ये वाला हिस्सा लिक्विड फॉर्म में हुआ अर्थ का। बोलो यस कि नो? यस सर। सही, समझ में नहीं तो इसका मतलब दोबारा समझो, ये एस वेव निकली और एस वेव क्या कर सकती है, लिक्विड में नहीं चल सकती, सॉलिड में चल सकती है केवल। तो ये एस वेव जहां जहां सॉलिड था वहां तक तो फैल गई है, यहां पे सब जगह सॉलिड है, लेकिन ये फॉर्म थी लिक्विड फॉर्म। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो एस वेव है वो लिक्विड में नहीं चल सकती है, इसलिए ये एस वेव यहां से चली और टकराकर वापस चली गई, क्योंकि इससे मूव ही नहीं कर सकती है। तो मुझे पता चला कि अगर एस वेव लिक्विड में मूव नहीं कर सकती तो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा जो होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। बोलो यस कि नो? यस सर। सही, तो मुझे ये पता चला कि अंदर का जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसी फॉर्म में है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड, क्योंकि ये लगभग लगभग ऐसा मान के चलो 3200 कुछ किलोमीटर का, 6223 किलोमीटर तक का एरिया है। यहां से अगर मैं खोदना शुरू करूं तो 6223 किलोमीटर नीचे तक कौन खोद कर जाएगा, है ना? तो खोदने से तो मुझे नहीं पता चला कि यहां लिक्विड है, मुझे कैसे पता चला, एस वेव से पता चला। और ये एस वेव कब पैदा होती है, तो भूकंप से पैदा होती है। तो भूकंप से सबसे पहली वेव पी वेव पैदा होती है, और दूसरी वेव कौन सी पैदा होती है बच्चों, एस वेव। और एस वेव लिक्विड में नहीं चल सकती है, तो मैंने उसकी अध्ययन करके बताया कि ये लिक्विड से टकराकर वापस चली जाती है, इसलिए अर्थ के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो भूकंप के अंदर जो तरंगे होती हैं वो हमारी अंदर की स्ट्रक्चर को समझाने के काम आती है। अर्थ के जो अंदर स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ एस वेव, पी वेव एंड लव वेव्स। बोलो यस कि नो? यस सर। ठीक है, इतना समझ में आया ना तुम लोगों को? यस सर। बोलो बच्चों। सर ये एस वेव के अंदर से क्यों नहीं जा सकती और पी वेव चली जाती है लिक्विड के अंदर से? इनका कैरेक्टर होता ही है, ये पी वेव जो ट्रांसवर्स वेव होती है ये इसमें मूव नहीं कर सकती लिक्विड में, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में मूव कर सकती हैं। ठीक है, ये इनके कैरेक्टर हैं वेव्स के, ये हमेशा ही ऐसा करेंगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है इनके साथ। ये वाला यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि ट्रांसवर्स वेव कभी लिक्विड में नहीं जाएगी और लॉन्गिट्यूडनल तीनों में जाएगी। ठीक है सर, ये गैस, लिखो बच्चों। हाँ, गैस में भी फ्लो कर सकती है ये, लिखो एस वेव्स। एस वेव द्युत्यक तरंगे, लिखो, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं,
this wave only can flow in solid and gas. And note passes from liquid. यह तरंग ठोस वह गैस से गुजर सकती है परंतु एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे आपकी वॉइस कहां से करना है कहां से रिपीट करना है बच्चे ये तरंगे ठोस वह गैस से गुजर सकती है परंतु तरल से नहीं गुजरती हैं So by S waves, we can say that, the internal structure of Earth, is in liquid form. ठीक है फिगर बनाओ ये वाला अर्थ का और ये इसकी स्ट्रक्चर बनाओ मैंने 4 किलोमीटर ये क्या लिखा रखा है ये इसकी स्पीड है चलने की अच्छा अच्छा तेरे को हिंदी में लिखा होगा क्या बेटा क्या लिखा हूं हिंदी में इतना लिख लिया सर वो तरल से गुजरती है आपने हिंदी में लिखवाया मैंने क्या बोला था इंग्लिश में सर आपने तीन लाइन बोली अच्छा, है लिखो 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 लिखो, लिखो 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 यार लिखो लिखो बच्चों हिंदी में लिखो अतः इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तरल स्थित है अच्छा एक बात बताओ सुनो बच्चों सुनो यस सर अगर मुझे मंगल ग्रह की आंतरिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है ठीक है तो मैं वहां पे मंगल ग्रह की आंतरिक स्ट्रक्चर को अंदर की स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए किसके बारे में अध्ययन करूंगा वेव्स के वहां मैं भूकंप को पढ़ूंगा जाके ठीक है और जब भूकंप आएगा मंगल ग्रह पे तो इसका मतलब वहां पे पी वेव एस वेव और एल वेव आएंगी
सही। तो जब एस वेव सारी जगह से निकल के चली गई तो मैं कह सकता हूँ कि मंगल ग्रह की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं लिक्विड है ही नहीं, सोलिड फॉर्म में है वो, ठीक है। लेकिन अगर उसमें एस वेव्स पूरी तरह निकल कर नहीं गई, गैप छूट गया बीच में और ये वापस टकरा के चली गई, तो मैं कहूंगा कि मंगल ग्रह में भी लिक्विड मौजूद है। बोलो यस कि नो? यस सर। सही। यस सर। इसका मतलब ऐसे में भूकंप को पढ़ के किसी की भी इंटरनल स्ट्रक्चर को बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं? यस सर। ऐसे ही हम लोगों ने अर्थ की बात की है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आओ, एल वेव्स। अभी इसके बाद मैं तुम लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें तुम लोग मुझे देखकर बताना कि तुम लोगों को क्या क्या समझ में आया था। इनको लॉन्ग वेव बोलते हैं, ठीक है, एल वेव्स को, या फिर लव तरंगे बोलते हैं इनको। क्योंकि बच्चों एल वेव की जो खोज की है एच डी लव ने, ये इनका नाम था, ठीक है। तो इसलिए इनके नाम को सम्मान देने के लिए हम इन लॉन्ग वेव्स को क्या बोलते हैं? लव वेव्स बोलते हैं। तो जरा मुझे बताओ, प्यार खतरनाक होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ कि नहीं? बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो भाई साहब वाकई में ही प्यार बड़ा खतरनाक होता है। जो ये एल वेव्स होती हैं, जो लव वेव्स होती हैं, ये पी वेव्स और एस वेव्स से सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एल वेव्स जो है बच्चों, ये अर्थ के नीचे नहीं बल्कि क्रस्ट पर मूव करती हैं, ऐसे चलती हैं क्रस्ट पर, धरती के सबसे ऊपर वाली सतह पर ऐसे चलती हैं ये, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि धरती के जो ऊपर वाली सतह है वही परी पेड़ पौधे हैं। बोलो यस कि नो? यस सर। वही पर इंसान है, वही पर उसकी जो बिल्डिंग्स है वो खड़ी हुई है। तो ये जब इसके ऊपर फ्लो करेगी तो ये पेड़ पौधों को तोड़ती हुई, इंसानों को मारती हुई और बिल्डिंग्स को गिराती हुई चलती, ठीक है। इसीलिए इसका नाम लव वेव रखा गया है। ये प्यार भरी तरंगे हैं जो बर्बाद करती हुई चलती है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर वो जमीन पर जाती है सर अर्थ के कारण, वो इसी के लव वेव से फटती है क्या? हाँ बिल्कुल, वो लव वेव्स की वजह से फटती हैं। सबसे ज्यादा विनाशकारी वेव्स अगर तुम बताओगे मुझे तो पहले नंबर पे लव वेव्स होती है सबसे खतरनाक, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स होती है, और तीसरे नंबर पर प्राइमरी वेव्स होती है। प्राइमरी वेव बहुत सॉफ्ट नेचर की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा तेज कौन चलती है? तो गति में, स्पीड में पूछू तो सबसे ज्यादा स्पीड से चलती है प्राइमरी वेव, उसके बाद चलती है सेकेंडरी वेव्स, और सबसे धीरे चलती हैं लव वेव्स। भाई सही में कहा है, प्यार धीरे धीरे होता है ना बच्चों, एकदम तो नहीं हो जाता ना। यस सर। तो इसलिए धीरे चलती हैं। पता नहीं सर आपके टाइम। हाँ कोई नहीं, तुम ऐसे ही रहो। बस माइक खोल के नहीं हंसना। पता नहीं था मेरे को। लिखो लव वेव्स के बारे में। दीज वेव्स आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग वेव्स। इन तरंगों को वृहत तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों को वृहत तरंगे भी कहते हैं। लव वेव्स डिस्कवर्ड बाय वृहत या लंबी। These waves described by HD Love. इन तरंगों की खोज HD Love द्वारा की गई थी। HD Love द्वारा की गई थी। अतः इसका नाम The motion we feel on the surface of the earth during an earth लव तरंगे पड़ा, discovered by HD Love. So these waves also known as love waves.
दिस वेव, यह तरंग सबसे घातक तरंग होती है. दिस वेव इज मोस्ट डिजास्टर वेव. ठीक है बच्चों? यस सर. चलो अब सभी लोग अपनी स्क्रीन को राइट स्वाइप करो और उसमें मेरी स्क्रीन आ रही होगी नीतीश भारद्वाज के नाम से. आ रही है? यस सर. चलिए जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे एक वीडियो शो हो रही होगी बच्चों. हो रही है सभी को? यस सर. यस. चलिए अब हम इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में आप लोगों ने अर्थक्वेक के चैप्टर में कितना कुछ सीखा और इस वीडियो से आप लोग इसको कितना रिलेट कर पा रहे हो. देखो जी इस वीडियो को. ये हमारा अर्थक्वेक आ रहा है, इसमें अर्थ जो है वो वाइब्रेट कर रही है. The motion we feel on the surface of the earth. ये हमने अर्थ का एक हिस्से को काट लिया है बच्चों. अगर आप सबसे ऊपर वाले हिस्से को देखोगे तो उसमें आप लोगों को बिल्डिंग्स दिखाई देंगी और पेड़ पौधे दिखाई देंगे, रोड्स दिखाई देंगी. बोलो यस किनो. यस सर. ठीक है. अब इस हिस्से में अर्थक्वेक आया था तो हम देखेंगे अब कि अर्थक्वेक कहां से जनरेट हुआ था. During an earthquake comes from energy. यहां से देखिए येलो पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो इस येलो पॉइंट में इन्होंने डैश लगा के लिखा हुआ है एनर्जी रिलीज्ड, अर्थात यहीं से ही अर्थक्वेक रिलीज हो रहा था या फिर एनर्जी रिलीज हो रही थी, अर्थक्वेक जनरेट हो रहा था. तो इस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोसेंटर. ठीक है, इसका नाम पड़ा डीप विद इन द अर्थ. दिस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द सरफेस बाय अर्थक्वेक वेव्स. द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड अर्थक्वेक वेव्स इज कॉल्ड साइस्मोलॉजी. अर्थक्वेक्स अकर व्हेन रॉक्स. जब यहाँ पर अर्थक्वेक चलना शुरू हुआ तो इसने क्या काम किया? देखो इसने क्रैक्स बना दिए इसकी अर्थ पर. ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एनर्जी कहीं ना कहीं से निकलेगी, तो एनर्जी जहां से निकलेगी वहां पे चट्टानों को तोड़ते हुए चलेगी. डीप अंडरग्राउंड सडनली ब्रेक अंडर प्रेशर और स्लिप अलोंग अ फॉल्ट. द पॉइंट ऑफ रिलीज इज नोन एज द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक. द एनर्जी रिलीज्ड बाय द अर्थक्वेक रेडिएट्स फ्रॉम द फोकस एज बॉडी वेव्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स. द फास्टेस्ट वेव इज कॉल्ड अ पी वेव और प्राइमरी वेव. अब ये हमको पी वेव या प्राइमरी वेव के बारे में बता रहा है इसमें कि कैसे मूव कर रही है. देखिए ये पी वेव का चित्र है जो मैंने आपके बोर्ड पे भी बना के आप लोगों को दिखाया होगा. इसमें अगर आप एक जगह पे देखेंगे तो ये जो तरंगे हैं ये आपस में मिल गई हैं, आपस में आके ना कंप्रेशन हो गया इन तरंगों के बीच में, फिर आगे जाकर ये फैल जाती है, फिर कंप्रेशन हो जाता है, फिर फैल जाती है, फिर कंप्रेशन हो जाता है, फिर फैल जाती है. इस प्रकार से ये मूव करती है. ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों? इन तरंगों को लोंगिट्यूडनल वेव टाइप में रखा जाता है और इनको प्राइमरी तरंगे प्राथमिक वेव बोला जाता है. Between 4 to 7 kilometers per second, depending on the density of the rock it's moving through. A P wave is a compression type wave. Rocky material in its direction of travel. एक जगह इनमें कंप्रेशन हो रहा है, एक जगह में इसमें क्या हो रहा है बच्चों? एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि फैल रही है और आपस में मिल रही है. Compresses, then expands as the wave passes. A P wave is similar to a wave traveling through a spring. The coils compress and expand in the direction the wave is traveling. The second type of body wave is called an S wave or secondary wave. It travels at about 2 to 5 kilometers per second through rock, about half the speed of a P wave. An S wave is a transverse shear wave. Rocky material in its path moves up and down or side to side, perpendicular to the direction of the wave's travel. An S wave is similar to a wave traveling along a piece of rope. The wave moves along the rope by moving a section of the rope up, then down. अगर आप लोगों को बच्चों L waves, secondary waves को दिखाना भी है तो आप ऐसे कर सकते हैं अपने घर में. एक रस्सी लीजिए, एक रस्सी को उस खूंटे से एक जगह पर बांध दीजिए और उसको ऐसे करिए. ठीक है, अगर आप ऐसे हिलाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से लहरें बनेंगी उसमें. वो लहरें किस प्रकार के एग्जांपल होती है? वे एस वेव्स के एग्जांपल होती है. सरफेस वेव्स रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर
the point on the surface closest to the focus. Surface waves are slower than body waves, traveling at 2 to 3 kilometers per second. They can change the surface of the earth as well as damage homes, buildings, and other structures. There are two types of surface waves. A love wave causes side-to-side motion perpendicular to its direction of travel. ये इसने जो अभी आप लोगों की अर्थ को हिलाया था क्रस्ट को ये लव वेव दिखा रहा था आप लोगों को can cause damage by breaking roads and pipes. The second type of surface wave is called a Rayleigh wave. It moves the surface of the earth up, forward, down and back in a circle. It can cause damage. तो जब ऊपर की क्रस्ट इतनी हिलेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ पौधों या बिल्डिंग्स को होगा कि नहीं होगा बच्चों? Yes sir. चलिए. By knocking buildings off their foundations. In most earthquakes, combinations of love and Rayleigh waves cause the most destruction because the ground shakes up and down and side to side at the same time. ठीक है. तो ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया और इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाह रहा था कि किस प्रकार की वेव्स होती हैं और वो किस प्रकार से मूव करती हैं, ठीक है? इन्हीं को हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी एंड लव वेव्स का नाम देते हैं और ये कैसे कैसे चलती हैं इसमें बताया गया था. थोड़ा सा जो नहीं बताया गया वो मैंने बोर्ड पे चित्र बना के आप लोगों को दिखा दिया था. अब हम लोग आगे चल रहे हैं. आगे देखो बच्चों. सर जैसे आपने सेकंड वेव में बताया था कि 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, इसमें सर 2 से 3 किलोमीटर दिखा रहा था आपने, 4 किलोमीटर लिखा है. मैंने 4 किलोमीटर लिखा है, 4 ही सही है, ठीक है. चलो आगे देखते हैं. मैं आगे तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ. उसका नाम है लोंगिट्यूड एंड लेटिट्यूड्स. ये लोंगिट्यूड एंड लेटिट्यूड्स जो होते हैं बच्चों, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, खासतौर पे सीटेट के लिए. फिर कोई भी एग्जाम आप देने के लिए जाओगे तो लोंगिट्यूड एंड लेटिट्यूड्स आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी सेक्टर बनता है आप लोगों का, सही? तो आप लोग इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले फोकस करेंगे मेरे ही फोन पर. मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूँ. एक नया चैप्टर का नाम डाल लो, लोंगिट्यूड एंड लेटिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर. डालिया ना सभी ने एडिंग बच्चों. क्या है सर लोंगिट्यूड? लोंगिट्यूड एंड लेटिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर. सभी को एक बार फिर से मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर. चलिए नितिश भारद्वाज की स्क्रीन पे आइए बच्चों, राइट स्वाइप करके देखो जी. अब हम मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अर्थ की तरफ. अब हम बात करेंगे अर्थ पर. इसमें लिखा हुआ है कि वेलकम टू द सोलर सिस्टम. अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं हम लोग कि आपका सोलर सिस्टम किस प्रकार से बिहेव करता है. ये रहा आप लोगों का बच्चों सोलर सिस्टम. अगर मैं इसको जूम करूंगा तो सबसे बीच में आप लोगों को दिखाई देगा एक सन. दिख रहा है कि नहीं सभी को? यस सर. बहुत बढ़िया. मैं इसको जूम इन करूंगा बच्चों, तो जूम आउट करूंगा तो आप लोगों को तीसरे नंबर पे एक अर्थ दिखाई देगी, ठीक है? ये देखिए, ये अर्थ आप लोगों को घूमती हुई दिखाई दे रही है. दूसरी तरफ इसके सन है और ये अर्थ इस प्रकार से मूव कर रही है. अब हम अर्थ को और नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं. देखो सुनो बच्चों, ये मैं क्योंकि ग्लोब नहीं दिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर अर्थ दिखा रहा हूँ. देखो सबसे पहले आपके एसएससी या फिर कोई से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डे एंड नाइट क्यों होते हैं, ठीक है? रात दिन होने का कारण क्या है? तो आप लोग क्या बताओगे रात दिन क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ जो है बच्चों वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, सही? जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा
कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है। इसके कारण सूरज की रोशनी कभी इसके एक पोर्शन पे पड़ती है तो वहां पर दिन होता है, जब दूसरे पोर्शन पे पड़ती है तो दूसरी तरफ दिन हो जाता है। ठीक है, अरे समझ में आया? यस सर। चलिए, ये अर्थ इस प्रकार से घूमती है, इसलिए मैंने कहा कि यहां पर दिन और रात को आप लोगों को देख सकते हो, दिन और रात को। अब वापस आप नेहा शर्मा पे आ जाइए, मैं आप लोगों को बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। ये अर्थ है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। यहां पर सन है, बोलो, सपोज करो अर्थ की डायरेक्शन ऐसी है इस समय पर, तो सन की रेज यहां पर पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी बच्चों? अरे हाँ कि नहीं? यस सर। तो इस हिस्से में क्या होगा? डे होगा, ठीक है। और जब सन की रेज यहां पर पड़ रही हैं तो मतलब इसका मतलब तो यहां पर डार्क होगा, यहां पर तो अंधेरा होगा, तो जिस हिस्से में अंधेरा होगा वहां पर क्या होगा बच्चों? नाइट होगा, ठीक है। अब ये हिस्सा घूमकर इस तरफ आ जाएगा, तो जैसे ये हिस्सा घूमकर इधर जाएगा तो नाइट वाले हिस्सा किसकी तरफ आ गया? सन की तरफ आ गया, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि अर्थ पर रात और दिन होने का कारण क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने, ठीक है, घूमने के कारण क्या होते हैं बच्चों? दिन और रात होती हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ हिस्सा सन की तरफ जो रहता है उसमें दिन होता है और दूसरी तरफ वाले हिस्से में क्या होती है? रात होती है, ठीक है। तो डे नाइट का तो मुझे कारण पता चला कि भैया दिन और रात होते हैं, हमारे भारत में भी ऐसा ही होता है, देखो इस टाइम पे रात है ना, तो इसका मतलब सन तो अपनी जगह पे ही है लेकिन अर्थ घूम गई और हमारा भारत यहाँ की ओर चला गया है ना, फिर सुबह हमारे यहाँ दिन हो जाएगा तो हमारा भारत घूम कर फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, वो घूम रही है अपनी एक्सिस पर। अब मुझे ये तो पता चला कि हमारे यहाँ दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, लेकिन एक क्वेश्चन का फिर मेरे मन में एक क्वेश्चन और आया कि भैया जो पोल होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, उन पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें क्यों होती हैं? भाई वे भी तो अर्थ के हिस्से हैं, वे भी तो घूम ही रहे हैं, तो वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें क्यों होती हैं? ये भी एक क्वेश्चन बढ़िया था। शायद टिल्ट हो रखा है ना ये 23.5 डिग्री, इसलिए। अब इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज हुआ तो हम लोग को इसको समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? अर्थ का सेंटर है ये, ठीक है, और ये 90 डिग्री पर बन रहा है पूरा। बोलो एस्किनो। तो अगर मैं अर्थ को बच्चों दो हिस्सों में काट दूं तो शायद मुझे ऐसे काटना चाहिए अर्थ को दो हिस्सों में, ये पूरा एक हिस्सा इधर वाला और एक हिस्सा इधर वाला, ठीक है, और यही बच्चों पृथ्वी की एक्सिस बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पृथ्वी जो सन के चारों ओर घूम रही है, वो घूम कैसे रही है? तो वो थोड़ी सी तिरछी हो रखी है, ठीक है, कितनी तिरछी हो रखी है? तो अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री तिरछी है वो। मैं इसको ब्लू मार्कर से बना देता हूं। अपनी एक्सिस से कितना? 23.5 डिग्री तिरछी, इस प्रकार से। और ये कितना है? 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई। तो एक्सिस क्या होनी चाहिए थी? एक्सिस होनी चाहिए थी जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाई हुई है, लेकिन एक्सिस है क्या? तो ये वाली है एक्सिस, यानी ऐसे झुकी हुई है, समझ में आया? तो ये पोल कंट्री है, ये वाला कौन सा पोल हुआ बच्चों? ये साउथ पोल हुआ, और ये वाला कौन सा पोल हुआ? ये नॉर्थ पोल हुआ, ठीक है। अब जरा तुम लोग ध्यान देना, ये सन है, ठीक है, जब ये सन अपनी रेज डालेगा
इसकी तरफ तो अर्थ झुकी हुई है, तो सन एक तरफ ही अपनी रेज डाल पाएगा, या तो साउथ पोल की तरफ या फिर नॉर्थ पोल की तरफ। जब सन साउथ पोल की तरफ रेज डालेगा तो नॉर्थ पोल में अंधेरा होगा, और जब नॉर्थ पोल में रेज डालेगा तो साउथ पोल में अंधेरा होगा। ठीक है, ये बोर्ड पे मैंने तुम लोगों को बना के दिखाया कि अर्थ किस प्रकार से झुकी हुई है और किस प्रकार से वो काम करती है। ठीक है, अब हम लोग इसी के लिए एक वीडियो देखते हैं। अगर आप वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा कि अर्थ किस प्रकार से काम करती है। फिर से मेरी वाली स्क्रीन पे जाओ, नीतीश भारद्वाज आ गए सभी लोग? बच्चों आ गए सभी लोग? यस सर। चलिए देखिए, ये जो अर्थ है ये सन के चारों ओर भी घूम रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ठीक है, and that it takes a full year for our planet to complete its orbit. Earth also rotates like a slightly tilted spinning top. ये देखिए, हम अक्ष इस पे अर्थ पे आ गए। अभी आपको दिखाया इसने कि ये किस प्रकार से अर्थ के सॉरी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, है ना। अब इसमें मैंने क्या काम किया, एक पोल आप लोगों को ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, एक पोल इसके नीचे की तरफ है, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दिखा रहे हैं हम इसको। ठीक है, और ये उसके चारों ओर चक्कर काट रही है, उसके चारों ओर भी घूम रही है। देखो, दिख रहा है कि नहीं बच्चों? But that means the sun's light. अरे बोलो। Yes, sir. आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, अर्थ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, तो अर्थ के एक हिस्से में आप लोगों को ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा और दूसरे हिस्से में ब्लैक कलर दिखाई दे रहा होगा। जहां पर ब्लू कलर की अर्थ आप लोगों को दिखाई दे रही है वहां पर सन है, इसलिए सन की लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो इस वाले हिस्से में डे होगा या नाइट होगा? सर डे। डे, और दूसरी तरफ क्या होगा? नाइट। लेकिन यही हिस्सा घूमकर दूसरी तरफ आ गया, तो वहां पर फिर से क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। ठीक है, ये अर्थ बच्चों इस प्रकार से झुकी हुई है, देखो टिल्ट हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। सही, अब इस वीडियो को मैंने पॉज किया और ध्यान से सुनना। अगर आप अपनी राइट साइड देखोगे बच्चों, तो इस तरफ सन है। क्या है राइट साइड आपके? सन। सन है, ठीक है, तो सन की रेज पड़ रही है। सबसे नीचे पॉइंट पर देखो, आप लोगों को वहां पर समर लिखा हुआ है, वो साउथ पोल है। देखा आप लोगों को? यस सर। इस साउथ पोल में बच्चों इस समय जब अर्थ है, इस समय पर जहां पर, इस समय आप लोगों को धूप दिखाई दे रही है, डे दिखाई दे रहा है कि नाइट दिखाई दे रही है? डे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जाओ, ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल होगा, इसी नॉर्थ पोल पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा होगा? नाइट। ठीक है, तो पोल पे डे और नाइट हुआ, और ये कंडीशन चेंज होगी आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद इस कंडीशन को हम बदलेंगे, क्योंकि 6 महीने के बाद यही अर्थ सन की दूसरी तरफ चली जाएगी। तो जो ऊपर वाला पोल आप देख रहे होंगे तो वहां पर सन रेज आ जाएंगी, और जो नीचे वाला पोल इस समय पर जो उजाला है जहां पर, वहां पर अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, the northern hemisphere. Observe how the north pole tips away from the sun. This means that sunlight strikes the northern hemisphere at a shallow angle for a short period of time. This is why winter weather is generally cool with short days and long nights. As Earth orbits the sun, we move towards spring in the northern hemisphere. अब ये देखिए, 6 महीने बाद ये मार्च में ऐसे आ गई, क्योंकि जनवरी से शुरुआत की थी हमने, ये मार्च में ऐसे आ गई। ठीक है, night are about equal in अप्रैल में अब ये आ गई पोजीशन इसकी, as we make our way to the summer months, अब ये धीरे धीरे टिल्ट हो गई, और टिल्ट होके अभी आ गई मई पर, और अभी आ गई जून पर। देखो जी, अब जून के महीने में क्या हुआ सुनो, जनवरी महीने में आप लोग नीचे वाले पोल अगर साउथ पोल को देख रहे होंगे, तो साउथ पोल पे क्या था बच्चों जनवरी के महीने में? डे था। लेकिन अभी जून के महीने में आप लोग देख रहे होंगे तो वहां पर क्या आ गई है? नाइट हो गई है। ठीक है,
तो जहां डे था जनवरी में, वहां पर जून के टाइम पर क्या आ गया, नाइट आ गई, सही। तो 6 महीने के बाद वहां पर डे की जगह क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है, नाइट। और अगले 6 महीने तक उस पोल पे नाइट ही रहेगी, और उससे ऊपर वाले पोल पे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्थ पोल पे, तो वहां पर डे नाइट था, लेकिन इस टाइम पर आप लोगों को डे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है सर। Sunlight strikes the northern hemisphere more directly, and the sun stays in the sky for a longer time. Compared to winter, summer days are warmer, and the sun stays in the sky much longer. Notice too that while it's summer in the northern hemisphere, ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत सुंदर बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ लीजिए। 23 डिग्री एक साइड में झुकता है जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, तब सर यानी 6 मंथ्स के लिए झुकता है, तो 6 मंथ्स के लिए दोबारा नहीं, 6 मंथ्स के लिए नहीं झुकता बेटा। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, बस वो मूव करके उसकी तरफ चली जाती है, सन की तरफ। वो जब तुम वर्चुअली कभी देखोगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्लास में सोलर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो 6 महीने बाद देखना अर्थ घूमकर उसका दूसरा हिस्सा सन की तरफ हो जाता है। अर्थ तो अभी भी इतना ही झुकी हुई है जितना पहले झुकी हुई थी। बनाओ आप इसको, स्ट्रक्चर को जो मैंने बोर्ड पे बनाई हुई है। सर, जी सर, जनवरी से लेकर जून तक नॉर्थ पोल पे नाइट रहती है। हाँ जी, उसके बाद नहीं, साउथ पोल पे डे रहेगा जनवरी से, नॉर्थ पोल पे अंधेरा रहता है, फिर उसके बाद नॉर्थ पोल पे लाइट हो जाती है और साउथ पोल पे अंधेरा हो जाता है। जनवरी से लेकर जून तक वो हो जाएगा, नाइट रहेगी, और फिर जून से लेकर दिसंबर तक डे हो जाएगा। और तो अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, लोंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेरा एग्जाम है तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ, 4 तारीख को मेरा एग्जाम है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे भगवान ने चाह तो। अरे बोलो भाई। सर, बहुत सुंदर। सर, बेस्ट ऑफ लक सर। जी जी, थैंक यू बच्चों। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। किसने डिस्कवर की थी? जी सर, आपने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था ना कि प्लेट डिस्कवर्ड बाय, तो प्लेट ने डिस्कवर्ड, मैंने प्लेट वर्ड लिखा होगा, शब्द लिखा होगा मैंने। ओके सर, एक क्वेश्चन और है सर। हाँ पूछो। सर, आपने बताया था ना कि लॉन्ग वेव्स का उसने किया था, एचडी लव ने, तो सर सेकेंडरी वेव का और इनका आविष्कार किसने किया था? आविष्कार नहीं हुआ था बेटा, ये तो ग्रुप था साइंटिस्ट का जिन्होंने इसकी स्टडी की थी, सिस्मोलॉजी कहते हैं इसकी स्टडी को, ठीक है। वो बाद में हम लोगों को पता चला कि इसमें तीसरी वेव्स भी होती है जो कि अंदर से ना के ऊपर आती है, तो वो एचडी लव ने बताया था कि भैया इसमें तीसरी भी होती है जो सबसे हानिकारक होती है, ये करती है वो करती है, तो इसलिए हमने उनको थोड़ा सा देने के लिए उनके नाम पर रखती वो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट टाइम।